नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल रूबल धनखड़ फिटनेस। कह रहे यूनिफॉर्म में कैसे है। आज की वीडियो होने वाली है पूरे दिन की डाइट, दो टाइम का वर्कआउट जिसमें कार्डियो और एफ्स भी है और जिसमें वेट ट्रेनिंग भी है, साथ ही साथ जॉब, फैमिली, कोई भी चीज मैं मिस नहीं करता हूँ। पूरे दिन की भाग दौड़ आपको देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी। वीडियो में जो कुछ भी मैं करता हूँ पूरा दिखाई देगा आपको। मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता हूँ, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो मेरा वर्कआउट या डाइट हो, पूरा मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करता हूँ देखिए वीडियो को लास्ट तक। अभी मैं कार्डियो करके आया हूँ, तो मैं कार्डियो करते टाइम क्या करता हूँ टाइम पास करने के लिए, कुछ जो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आते हैं, इंस्टाग्राम मेरा ये रहा, आप चेक कर सकते हैं जाके, या मैसेज करना, कुछ कमेंट करना है, कुछ पूछना पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारी बॉडी नहीं बन रही, हमको ये दिक्कत है, हमको वो दिक्कत है, तो कौन से क्या रीजन, ये आपके भी हो सकते हैं कि बार बार कोल्ड होना, बार बार बीमार पड़ना, हड्डियों में दर्द होना, हेयर लॉस होना, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो खाली एक ही विटामिन की कमी से होते हैं, और वो है विटामिन D3, जिसका लोगों को पता ही नहीं चल पाता। इसकी कमी के कारण डिप्रेशन में भी रहते हैं। अभी जितना मुझे विटामिन D3 चाहिए, क्योंकि मेरा हार्डकोर ट्रेनिंग है, तो वो पूरा करने के लिए मैं एक सप्लीमेंट ऐड करता हूं, वो है जेनिथ का विटामिन D3 सप्लीमेंट। इसकी सबसे खास बात मुझे क्या लगती है, देखिए इसकी जरूरत कब पड़ेगी आपको। पहला लक्षण कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मतलब आपको हल्के से इन्फेक्शन से खांसी जुकाम बुखार हो रहा है। दूसरा, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है या आपकी हड्डियों में जोड़ों में पेन रहता है, बहुत जल्दी थक जाते हो, टायर्ड महसूस करते हो। जैसे अभी मैं कार्डियो कर रहा था, लेकिन मैं उतनी जल्दी नहीं थकता, क्योंकि मैं अपने विटामिन मिनरल पूरी करने की कोशिश करता हूं। आप जैसे मेरी डाइट में देख सकते हैं, मैं फूड भी अच्छे से लेता हूं और बाकी सप्लीमेंट के रूप में ये विटामिन D3। इसकी क्या खासियत है, एक तो इसे आप अभी भी लेंगे तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्ट्रिप है, इसमें 400 IU विटामिन D3 है जो पूरा मिलेगा, आपकी बॉडी पूरा एब्जॉर्ब करेगी, मतलब 400 का मतलब 400 ही है। बहुत सारे फायदे हैं, तो ये ऑरेंज है, जैसे मैं अभी डाइट पे हूं तो मुझे इससे भी टेस्ट मिल जाता है। इसको कैरी कर लो कहीं भी, कभी भी कहीं भी ले जा सकते हो आप। ये छोटी सी है, इसको जेब में डाल लो, पॉकेट में डाल लो या बैग में डाल लो। इसको लेने के आपके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मनी सेविंग का। इसमें है 20 × 3 यानी कि 60 स्ट्रिप, और विटामिन D3 की अगर आपको कमी हो जाती है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है इंजेक्शन। वो क्यों पता है मुझे, क्योंकि मेरे छोटे भाई के विटामिन D3 की कमी हुई थी, वो इतनी हुई थी कि उसे वीकली एक विटामिन D3 की डोज लग रही थी। तो आपको भी अगर विटामिन डी की कमी महसूस होती है, जो लक्षण मैंने बताए हैं, डिप्रेशन, इम्यूनिटी, बोन्स कमजोर होना, टीथ कमजोर होना, हेयर लॉस होना, हेयर लॉस होना भी बहुत बड़ा मेजर रोल हो सकता है विटामिन D3 की कमी का, तो आप यूज कर सकते हैं जेनिथ का विटामिन D3, जो टेस्टी ओरल स्ट्रिप है। इसे कहीं भी पॉकेट में डाल के कैरी कर सकते हैं, और मुझे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि मैं कहीं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी में कोई कमी हो, दो पैसे एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन बॉडी में जो भी चीज जाए वो क्वालिटी की होनी चाहिए। तो आप भी जेनिथ की डेली 1 स्ट्रिप यूज कर सकते हैं विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए। इससे आप बहुत रिफ्रेश फील करेंगे। अभी भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, अगर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिए और आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो मैं तो इसको डेली एक लेता हूं, और बाकी आप फिजिक अपडेट बताइए कैसी है, पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी, पूरा दिन का डाइट शेड्यूल, वर्कआउट, और कैसे मैं स्ट्रेस के साथ साथ भी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। अभी देखिए आप मेरा फेवरेट एब वर्कआउट। We'll be right back.
वर्कआउट खत्म और कार्डियो प्लस थोड़े से एब्स किए हैं, जहाँ कमी थी उसको ट्रेन करने की कोशिश की है। अब मेरी फर्स्ट मील, जिसमें कोई सप्लीमेंट नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या है फर्स्ट मील और फटाफट इसके बाद भागूंगा काम धंधे पे। पोस्ट वर्कआउट मील 8 एग वाइट, ये गर्म पानी है, कॉफी किसी भी कंपनी की लो, ये सप्लीमेंट अगर आपको चाहिए क्या है तो कमेंट करके बताना, अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। रेडी, कप नहीं है तो बोतल में कर लिए, वैसे भी कांच की बोतल है। हाँ रेडी हो जाओ फटाफट भाई, आज चुनाव है 2 दिन बाद दिल्ली में और सभी स्टाफ इकट्ठा होगा, ब्रीफिंग कर रहे हैं सर, ठीक है। और क्या कर रहा है, तुझे जाना नहीं है, जल्दी चल, लेट हो गया मैं वर्कआउट करके आया हूँ, जा रहा हूँ अनाइशा, बाय बाय। फटाफट भाग भाग के 5 मिनट में रेडी, और आप चलाओ भाभी, आप चलाओ, उतरना पड़ेगा ना मुझे। सारा स्टफ रख लिया अपना, डाइट चिकन रास्ते में से ले लूँगा, पानी और एक दो सप्लीमेंट तो ऑलरेडी, ड्राइवर हमारा रेडी है थानेदार साहब। अपनी गाड़ी में बैठे सबसे पहला काम कानून के लिए नहीं, अपने लिए, सेफ्टी के लिए। कुछ लोग चलान काटने कि चलान न कटे पीछे रखते हैं बेल्ट को, और देखा मैंने कि यहाँ से उतार के ऐसे रख लेते हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। और जब भी कुछ ऐसा होगा कि मिस हैपनिंग हो जाए, आपके हाथ कहीं टच हो जाए, तो वो वाली सीट बेल्ट आप बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि वो यहाँ पे लगा के रखते हैं, वो आपको प्रेशर को रोक नहीं सकती। तो ऐसे सीट बेल्ट को लगाए जिससे आपको सुरक्षा मिले। मैं कभी भी अपने पापा के साथ जाता हूँ कहीं भी, आज क्या है कि पूरे अरेंजमेंट है तो सारे की ड्यूटी एक जगह पे है, ब्रीफिंग बोलते हैं इसको, तो कभी भी इनके साथ जाता हूँ। गाड़ी मैंने चलानी नहीं सीखी है और मैं भी कभी 80 से ऊपर नहीं चलाता, और ये बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी को चलाते हैं, जिससे अगर अचानक से भी ब्रेक मारने पड़ जाए तो इतना गैप हो कि गाड़ी रुकने में जो टाइम लेगी उससे टक्कर ना लगे। स्पीड लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि 40 और 60 हाँ, जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उसमें एक स्पीड का वैसे भी अलार्म दिया हुआ है कि क्रॉस होते ही वो बीप करने लगती है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, पापा मुझे तो दे रहे हैं कि चलते को उतार दूंगा रास्ते में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल किसके पास टाइम है, ये अपनी ड्यूटी में थोड़ा हाँ, मेरी वजह से क्योंकि मैं भागम भाग में आया हूँ जिम से, और जिम करने के बाद फटाफट रेडी हुआ और ये 5 मिनट लेट है, तो इन्होंने मेरे को झाड़ मारी है, आपने देखा होगा शुरू में, तो आगे से लेट नहीं होना है। लेट इसलिए क्योंकि चिकन को खाली मैं ही बनाता हूँ और कोई चिकन नहीं बनाता है, तो एक ही मील बनाई, बाकी मैंने ऑर्डर कर दिया, तो पैसे भी बचाने जरूरी है ना, इतनी सैलरी थोड़ी मिलती है, तो सोचा कि जितना बच सकता है उतना बचाओ, बाकी बाहर से ले लेंगे। टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए पुलिस अफसर को खासतौर से। आज मैं गोरा गोरा क्यों लग रहा हूँ, आप काले क्यों लग रहे हो? मैं तो हूँ जन्म से, हम तो काले काले हैं, दिल वाले हैं बस। नहीं मेरा आज मुझे ड्यूटी को भी एंजॉय करते हैं हम, कभी बोझ नहीं समझते ड्यूटी को, फुल एंजॉय करो, काम को एंजॉय करो, जिस भी आप काम को एंजॉय करोगे ना वो आपको कभी भी फील नहीं होगा, तो ये एंजॉय करो हर चीज में ना, नुक्स निकालने की बजाय हर चीज में आनंद ढूंढो। कितने लोग हैं कि जो चाहते हैं कि वो यूनिफॉर्म पहने, उनका पूरा नहीं हो पाता, तो मैं अभी सिपाही हूँ, मुझे इस बात पे भी गर्व है। कुछ लोग कहते हैं कि आप एक कंधे पे स्टार होना चाहिए, अगर सभी के कंधे पे स्टार होगा तो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कौन करेगा, तो ये भी सिपाही ओहदा भी बहुत बड़ा है। देश सेवा करने के लिए कोई डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, आप किसी भी, आप आम नागरिक होके भी देश सेवा कर सकते हैं। दियो भाई चिकन, चिकन चिकन 170 किया है ना, 3 में 170 अभी भेज रहा हूँ भाई, थैंक यू भाई। टाइम मिलते ही फूड, चिकन, क्यूकुम्बर और वेजीज, इसमें कोई भी ऑयल यूज़ नहीं है, नॉर्मल है, सब बॉइल्ड है,
और 5 मिनट खा के अभी हमें पॉइंट देखने के लिए भेजा है, खा के दोबारा फिर वापस जाना है। सामने छोले कुलचे की रेडी है, तो एक्सक्यूज सबके पास है कि मोटे पतले फिट नहीं हो पाते। अब वो उसका टेस्ट ले रहे हैं, हम टेस्टलेस खाना खा रहे हैं, फर्क इतना ही है बस। लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया कि रेडी पे छोले कुलचे खा रहे थे, लेकिन मैंने ये सब घर से ही सीखा है। तो फादर साहब कुछ नहीं मिलता तो फ्रूट ले लेते हैं, लेकिन बाहर का कभी भी खाना खाना पसंद नहीं करते। ये बनाना के दीवाने क्योंकि पहलवान रह चुके हैं, तो उससे ही पेट भरने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि ऐसा क्या है बॉडी बनाने में, तो ये चीज़ें पैतृक घर से सीखने को मिलेगी आपको। कुछ आज के जनरेशन क्या है, पिज्ज़ा बर्गर, जैसे आपने मेरे बेटे को भी देखा होगा, क्योंकि वो वही देख रहे हैं माहौल, हमने देखा है फ्रूट, तो इसलिए हम फ्रूट प्रेफर करते हैं। ये ऑरेंज ले रहे हैं, ये मोटे इसलिए हुए हैं क्योंकि इनकी डिस्क में चोट लगी, क्या करते हुए लगी थी भाजी? पोल वॉल्ट में। और मेरी मील रेडी है, ये रही पीछे। तो अभी हमें और बोला है वेट करने के लिए, क्योंकि दिखाएंगे हमें कहाँ पे, ये वाटर है, अभी तक मैं पी चुका हूँ लगभग 3 लीटर। ये रही मेरी मील। हमें टाइम मिला लंच का, तो हमने दोनों ने अपने अपने हिसाब से लंच कर लिया, ठीक है। जो बाकी मैंने आपको दिखाया बाहर, वो इसीलिए, वो फिर पूछते हैं कि सर क्या डाइट हो, क्या कैसे, आप कैसे फिट हो, हम नहीं हो पाते। वो भी उसी सड़क पे खड़े हैं, हम भी उसी जगह पे खड़े हैं, और वो चीज़ खा रहे हैं जो उन्हें पसंद है, हम वो चीज़ खा रहे हैं जो हमें पसंद है। या तो जवान का टेस्ट ले लो या हेल्थ का मजा। आठ बजने वाले हैं अभी, नहीं 8:05 हो चुकी है और मैं दोबारा से जिम में हूँ। सो फटाफट देर ना करते हुए वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट कर लिया, हैवी वेट ट्रेनिंग आपने देखी, उसके बाद कार्डियो किया, उसके बाद फटाफट घर आया हूँ। 11:40 हो चुकी है, क्योंकि 1 घंटा कार्डियो 1.5 घंटा वर्कआउट में लग गया, तो 2.5 घंटे हो गए। और
एकदम से शुरू नहीं किया था तो टाइम लग गया। अभी मील ले रहा हूँ, ये लास्ट मील है मेरी। इसमें 170 ग्राम चिकन था, थोड़ी सी वेजिटेबल, बॉयल्ड वेजिटेबल और साथ में कुकुम्बर। अभी सोना है मुझे खाने के बाद थोड़ी देर बाद, उसके बाद सुबह जल्दी उठना है, अपना वर्कआउट कार्डियो फिनिश करके और 9 बजे पॉइंट पे पहुंचना है। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे क्योंकि मैं आपकी वजह से मोटिवेट होता हूँ। सो आप भी बहाना बना के मोटिवेट हो सकते हैं और अपने आप को फिट रखने के बहाने ढूंढिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, देश अपने आप स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।